सवाल ऐसा है, आप नाम पढ़ती कि ये माफिया किस पार्टी के, तो अच्छा लगता। नहीं वो तो मैंने बोला, लेकिन अगर आप नाम पढ़ के पूछती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं बताता कि हाँ ये बीजेपी के हैं। और मैं फिर दोहराता हूँ वो बात, अभी जो सूची आई है जिसमें विधायकों पे आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट आई एडीआर रिपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा विधायक जिन पर मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निकले। और पूरे देश का पहली बार इतिहास बनाने का काम किया है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे, ये जाने कहां से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? समाजवाद पे जब किताब लिखवानी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखवाई है किताब, द सोशलिस्ट मॉन्क, द सोशलिज्म का जो रास्ता है वही राम राज्य को लिए रास्ता है। जिस समय पूरी तरीके से समाजवाद लागू हो जाएगा वही राम राज्य है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द सोशलिस्ट मॉन्क की हिंदी क्या होगी? हमारी बहन जिन्होंने पूछा है हमसे सवाल, नहीं उन्हें पता है, हमारी बहन ने सवाल पूछा है हमसे राम राज्य पर, तो मैं आपसे केवल हिंदी जानना चाहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जो हैं वो समाजवाद पे न जाने क्या क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी किताब लिखवानी थी तो उन्होंने किताब लिखवाई द सोशलिस्ट मॉन्क, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। जो दूसरों को कहते हैं, जो दूसरों को कहते हैं 12 बजे सो करके उठते हैं, वो बताएं कि कहां सोते रहे कि उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। और ऐसे सो रहे थे कि जिनका रिटायरमेंट होने जा रहा था 2 दिन बाद, उन्हें बताओ चीफ सेक्रेटरी बना दी और एक्सटेंशन देकर के 1 साल का। तो सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे कि जाग रहे थे। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं भगवान है, रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आती है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।